what is the speciality of sleep? Bolo aaj se samne ki taraf. You have to do when you are there in this posture. Straight away you have to go back. Now quickly take back your right leg piche and aise bilkul is tarike se rehna chahiye. About the sarpa word. Kya chiz? Sarpa is what? What is the speciality of sleep? Flexible. है ना? क्योंकि बहुत light bones होते हैं उसमें और बहुत जल्दी से वो twist कर लेते हैं किसी से. What is this? Sarpa की जो आपने घर देखा है, sarpa का home देखा है, घर house कैसे होता है? बहुत अच्छा बिल्डिंग होता है. नहीं होता क्या होता है एक क्या होता है बिल. तो बिल मतलब क्या है कि देयर इज वन होल राइट. तो सर्पा एंटर्स इन अ होल एंड ही कम्स आउट फ्रॉम दैट सेम होल. तो उसी से समझ में आ गया उसकी बॉडी कैरेक्टर क्या है. उसको बहुत सारा जगह नहीं चाहिए. गोज अराउंड. तो जब सर्पा वडीप हम लोग करते हैं तो सर्पा वडीप से भी हमारा तात्पर्य वही है कि अपने बॉडी को मैक्सिमम हमें मोल्ड करना या मैक्सिमम वी हैव टू डू दिस स्ट्रेचिंग. क्लियर? ओके. सो सर्पा वडी को करते हुए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट पैर को आगे बढ़ा के, राइट पैर को आगे बढ़ाओ, ध्यान से देखिएगा सब, दोनों हाथ से सामने की तरफ नमस्ते की पोस्चर में सर्पा वडी कर रहे हैं. दोनों हाथ से सामने की तरफ नमस्ते की. राइट पैर कहाँ पे है? आगे. मैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दैट रिब्स कहाँ जाना है, थाइस लेवल तक जाना है और ये हाथ को सीधे रखना है और छाती को ऊपर उठाना है लेकिन रिब्स जो है नीचे रखना है और चिन अप करके देखना है. देखा आपने इस तरीके से ये पैर बिल्कुल सीधे रखो, बाहर की तरफ थोड़ा सा और बाहर लिया, बाहर लिया हो थोड़ा और. अब लुक अप. इस पोज, दिस इज द फर्स्ट पोस्चर ऑफ योर सर्पा. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? एक बार करके दिखाओ मुझे ये सेम पोस्चर एवरीवन. हाथ सीधे करो बिल्कुल. रिलैक्स, स्ट्रेट आउट एंड लुक अप. छाती ऊपर रहेगा, रिब्स नीचे थाइस के पास, लिटिल अप, रिब्स मैक्सिमम डाउन, रिब्स मैक्सिमम डाउन, कंप्लीट बॉडी स्ट्रेट एंड हैंड स्ट्रेट अप. ऊपर करो पैर को, हाथ को ऊपर करो. स्टे देयर. लुक अप, रिलैक्स. कुछ हुआ स्ट्रेन? यू फील सम स्ट्रेन इन दिस? आया? यानी कि आपका रिब्स कहाँ रहेगा? थाइस के पास और चेस्ट उठा रहेगा. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट मूव इज दैट, लुक एट मी हियर करेक्टली, राइट लेग आगे है, रिब्स हमने नीचे लेके गए यहाँ पे. ठीक है, बहुत हैंड स्ट्रेट. अब यहाँ से ये जो राइट वाला पैर जो हम आगे रखे हैं इसको अश्ववडी पे जैसे हम लोग जाते थे स्ट्रेट बैक हमें लेके पीछे जाना है. अश्ववडी पे हम लोग कैसे पैर पीछे लेके जाते थे? हम इस पैर को जब आप आगे से जो पीछे लेके जाओगे ये इस तरीके से एडजस्ट करके लेके नहीं जाओगे. फॉर दैट यू कैन नॉट एडजस्ट इट. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर देयर इन दिस पोस्चर, स्ट्रेट अवे यू हैव टू गो बैक. एंड इधर भी आपको ध्यान रखना है, व्हेन यू स्ट्रेट अवे गोइंग बैक योर रिब्स विल गो अप टू योर थाइस लेवल एंड चेस्ट विल बी अप एंड बहुत है. जो आगे ऐसे जो हाथ था ये ऐसे करके इस तरीके से मैक्सिमम डाउन और ये फीट उठाना नहीं आ सकता. ठीक है, डाउट? ओके, नाउ शो मी अगेन एवरीवन. राइट लेग फ्रंट, उस तरफ को मुड़ के राइट लेग को आगे रखो एंड दोनों हाथ को ऊपर नमस्ते में रखो. चेस्ट को बीच बिल्कुल नीचे, रिब्स डाउन चेस्ट अप. नाउ क्विकली टेक बैक योर राइट लेग पीछे एंड ऐसे बिल्कुल इस तरीके से हैंड स्ट्रेट अप, नमस्ते, आगे राइट लेग आगे बैक एंड डाउन. बॉडी स्ट्रेट, ज्योति, लुक अप. टेकन योर राइट लेग फ्रंट एंड पूरा अमरछा में जाके आप इसमें रहे. आप इसको आगे देखना है, यू हैव टू लुक एट योर हैंड्स ओवर देयर. ठीक है, लुक हमेशा आगे ही रहना चाहिए. यहाँ से यू राइट लेग को पीछे गए, अब अच्छा मैं दोबारा आए. अब यहाँ से ध्यान रखना है आपको, ये जो आगे वाला जो हैंड है लेफ्ट, ये यानी कि राइट हैंड से आपको अपने सर को चोल्टी लेके आना है. इस तरीके से ब्लॉक करके अपने सर को बचाते हुए लेके आना. तो यहाँ से ये नीचे जाना है आपको. तो टेक्निकली क्या होता है, ये जो राइट वाला फोरहेड है आपका, ये सामने वाले फीट के पास जमीन तक पहुंचना है. ठीक है, पूरा जमीन तक पहुंचा के एक स्ट्रेट लाइन में वापस इस लेग तक पहुंचना. तो यहां से आपने किया ये पूरा आके यहां पे आ.
फॉर दैट। अब यहाँ से क्या हो जाता है, ये जो टर्न है विल इट गो डाउन, ये देख रहे हो, ये मेरे बॉडी से छूना नहीं इसका, ये गो बैक अगेन फ्रेंड, ये बिल्कुल जो है एक लाइन से ही ये खोपड़ी नीचे से जाना है, चलो ये इसके अंदर से, अंदर से ठीक, बैक अगेन राइट लेग गो, छूना नहीं है मेरे गो, मेरे को बिना छुए निकल रहा है, हाँ समझ में आया, ये बाहर नहीं निकाल सकते। तो हाउ यू कैन प्रैक्टिस एट योर होम, आप क्या कर सकते हो, दीवार के पास जाके कर लो, लेको पीछे ले राइट लेको पीछे ले पहले, यस ये दीवार के क्लोज में जाके नमस्ते मेरा वहां पे, हां नहीं वो वाला सेकंड नमस्ते सेकंड, यस इसमें रहना है, जब आप दीवार के क्लोज में और जल पास जो दीवार के, दीवार से छुरा नहीं है, हाँ। अब इसमें से जब आप अपने घर पे सेल्फ प्रैक्टिस करोगे जो गो डाउन, अब ये दीवार से बिना छुए इसको टर्न होके आना है, इधर से बिना दीवार में टच हुए, आया वेरी गुड गुलाब।